कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ना। तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बैलिस्टिक मिसाइल का सारा सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती हैं। एक पैराबोलिक पाथवे अपनाती हैं और टारगेट पर अटैक करती हैं। तो इन मिसाइल्स की सारी खास बात होती सारी अच्छी बात हैं, लंबी दूरी मार कर सकती हैं, हाई स्पीड पर जा सकती हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन को अपने साथ ले जा सकती हैं, सारी अच्छी बात है। लेकिन एक निगेटिव बात होती है, क्योंकि एक फिक्स पाथवे पर उड़ान भरती हैं, एक निश्चित रास्ते से उड़ान भरती हैं, तो इनके निश्चित रास्ते को पहचाना जा सकता है और रडार के माध्यम से उनको ट्रैक किया, रडार के माध्यम से नष्ट नहीं किया जा सकता, ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो ये इसकी निगेटिविटी है, मतलब इसका जो नकारात्मक पहलू ये है कि इसे हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कैसे करते हैं, ठीक है, उसे देखने का काम करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है, तो आज हम लोग उसी के बारे में समझते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या BMD। तो हेडिंग डाल लीजिए BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या BMD या मिसाइल डिफेंस सिस्टम MDS। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या MDS मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कैसे हवा में ही हम दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। तो कभी आप लोगों ने रामायण देखा, महाभारत देखा, सबने देखा अपने वक्त में, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ देखते थे ना कि एक मिसाइल इधर की तरफ जाती थी, ठीक है, और पता लगा उधर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर और उसको उधर से मारा जाता था, तो एग्जैक्टली वो जाकर हवा में ही नष्ट कर देती थी। ऐसा देखा था हम लोगों ने ना। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी कि इसको हवा में ही नष्ट किया जाएगा दूसरी मिसाइल से, दूसरे ब्रह्मास्त्र से। तो दूसरे ब्रह्मास्त्र से नष्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की, BMD में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है ज़रूरत रडार की। रडार से आप क्या करते हैं कि मिसाइल को ट्रैक करते हैं कि मिसाइल कहाँ पर उड़ान भर रही है। तो दो तरीके के रडार इसमें यूज़ होते हैं मेनली। एक का नाम है अवाकस, ठीक है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, अवाकस। ये अवाकस जो है वो एक ऐसा रडार है जो कि एक हवाई जहाज़ पर लगाया जाता है, और ये हवाई जहाज़ जो है वो रशिया से हमने लिया है, और इस हवाई जहाज़ का नाम है IL-76। इस पर यह अवाकस रडार मौजूद होता है। अवाकस को हमने लिया है इज़राइल से। तो एक हवाई जहाज़ पर हम लोग एक अवाकस रडार लगा देते हैं। इसमें रडार का, इस हवाई जहाज़ का नाम क्या है, IL-76। ये रशिया से हमने लिया है एक ये। और फिर उसके बाद ये 400 किलोमीटर की इसकी, इस रडार की रेंज होती है लगभग 360 डिग्री पर। 400 किलोमीटर से आने वाली किसी भी दुश्मन की मिसाइल को
360 डिग्री पर ये क्या करता है, ट्रैक कर सकता है, यानी चारों तरफ से कहीं से भी अगर मिसाइल आ रही है तो 360 डिग्री पर, ठीक है, मतलब कहीं से भी किसी भी दिशा से मिसाइल अगर 400 किलोमीटर की दूरी से आ रही है तो ये इसको ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन? अवाकस रडार, ठीक है, अवाकस रडार। और क्योंकि ये हवा में ही रहता है, क्योंकि हवाई जहाज़ पे फिट है तो हवा में ही रहता है, तो इसे आई ऑन द स्काई के नाम से भी जानते हैं। आई ऑन द स्काई यानी हवा में आँखें, या फिर इसे रडार ऑन मूव भी कहते हैं, रडार ऑन मूव, ठीक है, रडार ऑन मूव यानी मूव करने वाला रडार, घूमने वाला रडार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा रडार इसमें यूज़ होता है LRTR रडार। LRTR रडार को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार के नाम से जाना जाता है। और इसे स्वॉर्डफिश रडार भी बोलते हैं, स्वॉर्डफिश रडार, स्वॉर्डफिश रडार के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पर ही रहता है, ज़मीन पर ही रहता है, और 1500 किलोमीटर के इसकी रेंज है, यानी 1500 किलोमीटर में आने वाले किसी भी खतरे को ये ट्रैक कर सकता है, ये उसको पहचान सकता है, 1500 किलोमीटर से आने वाले किसी भी खतरे को पहचानने की क्षमता रखता है। कौन? LRTR रडार या स्वॉर्डफिश रडार, ठीक है। तो ये दो रडार यूज़ करे जाएंगे पूरे MDS सिस्टम में, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। फिर इसके बाद दूसरी जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो है इंटरसेप्टर मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो इसको हवा में जाकर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करेगी। तो दो इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ की जाती हैं, पहला होती है पृथ्वी सीरीज़ की, पृथ्वी सीरीज़ यानी पृथ्वी मिसाइल, ठीक है, और दूसरी होती है अश्विन, ठीक है, अश्विन मिसाइल। तो दो इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज़ की जाती हैं इसके अंदर, जो कि हवा में ही नष्ट करेंगी दुश्मन की मिसाइल को, एक होती है पृथ्वी और दूसरी है अश्विन, ठीक है। तो हम लोगों ने रडार के माध्यम से ट्रैक करेंगे और अश्विन और पृथ्वी के माध्यम से उसे हवा में ही नष्ट करने का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे उसे देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। जितने लोगों ने कल मुझे मैसेज किया था सबको मेरा रिप्लाई मिल गया था ना,
हो गया। तो एक रडार के माध्यम से और एक इंटरसेप्टर मिसाइल के माध्यम से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। रुक जाओ यार, सब खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये दुश्मन की मिसाइल है जो उड़ान भरेगी और हम पर हमला करने जा रही है, और हवा में मौजूद है कौन सा हमारा रडार, अवाकस, ठीक है, अवाकस रडार मौजूद है और LRTR रडार यहाँ मौजूद है, ठीक है, धरती पर। अब ये यहाँ पर हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल है, इंटरसेप्टर मिसाइल। अब जैसे ये दुश्मन की मिसाइल उड़ान भरेगी यानी बूस्ट फेज में जाएगी, कल बताया था ना बूस्ट फेज क्या होता है, तो बूस्ट फेज में इतनी तेजी से ये उड़ान भरती है कि हम इसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन ये जैसे मिड एयर फेज में आएगी, मिड एयर फेज में आएगी, हमारा अवाकस रडार इसको हवा में ही क्या करेगा, ट्रैक करेगा, इसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा, यानी इसको देख लेगा, ठीक है, हवा में इसको ट्रैक कर लेगा। और इसको ट्रैक करने के बाद इसका जो इंडिकेशन होगा यानी इसका जो सिग्नल होगा, इसकी पोजीशन होगी, उसको किसको सेंड करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, भेजेगा किसको, LRTR रडार को। अब LRTR रडार क्या काम करेगा, ठीक है, अब ये मिसाइल और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, तो LRTR रडार क्या करेगा कि दुश्मन जिस पोजीशन पर ये मिसाइल का इंडिकेशन मिलेगा, LRTR रडार इसको ट्रैक करेगा, ठीक है, ट्रैक करेगा और सिग्नल सेंड करेगा किसको, इंटरसेप्टर मिसाइल को सिग्नल सेंड करेगा, और तुरंत यहाँ हमारी मिसाइल क्या होगी, बूस्ट कर जाएगी, हवा में उड़ान भरेगी, ठीक है, हवा में उड़ान भरेगी, और उस मिसाइल जैसा जैसा सिग्नल इसे, ये क्या करेगा, ये ट्रैक भी करता रहेगा, ठीक है, दुश्मन की मिसाइल को, और सिग्नल भी किसको सेंड करता रहेगा, इंटरसेप्टर मिसाइल को, ठीक है, ट्रैक भी करेगा और सिग्नल भी सेंड करेगा इंटरसेप्टर मिसाइल को, और फिर उसके बाद इसको सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है, इसकी पोजीशन बताएगा कि एग्जैक्टली किस पोजीशन पर ये पहुंची हुई दुश्मन की मिसाइल, और फाइनली हमारी मिसाइल, ठीक है, हमारी मिसाइल इस मिसाइल को हवा में ही ट्रैक करके क्या कर देगी, इसको नष्ट कर देगी, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि नष्ट कर देगी। तो समझ में आ गई बात कि कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहला मैंने क्या बताया, दुश्मन की मिसाइल यहाँ से बूस्ट हुआ, ठीक है, यानी ये आपकी किसकी मिसाइल है, दुश्मन की मिसाइल है, ठीक है, तो ये दुश्मन की मिसाइल है, इस दुश्मन की मिसाइल जैसे यहाँ से बूस्ट होगी, अवाकस इसे क्या करेगा, ट्रैक करेगा, इसके सिग्नल को किसको सेंड करेगा, LRTR को, LRTR रडार फिर इसको ट्रैक करेगा और इसके सिग्नल को किसे सेंड करेगा, इंटरसेप्टर मिसाइल को, ठीक है, सिग्नल सेंड किया जाता रहेगा और इसको ट्रैक किया जाता रहेगा और इसकी पोजीशन पर लाकर अपनी मिसाइल से इसको हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले इसमें ट्रैक किया जाएगा, सिग्नल सेंड किया जाएगा, फिर उसके बाद ट्रैक करके फिर सिग्नल सेंड किया जाता रहेगा और फाइनली इसको हवा में नष्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, पूरी बात कि कैसे सिस्टम काम करता है। तो ये है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें LRTR रडार और अवाकस रडार ट्रैक करके सिग्नल सेंड करके इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से इसको हवा में नष्ट कर देंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, ये भारत में डबल लेयर में बनाया गया है, यानी कि दो तरीके का बनाया गया है। पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग पृथ्वी एयर डिफेंस, PAD। क्या नाम है? PAD। मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो तरीके का है, PAD जिसे पृथ्वी एयर डिफेंस कहते हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस कहते हैं, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम रखा गया है प्रद्युम्न एयर डिफेंस, प्रद्युम्न एयर डिफेंस। क्या नाम है MDS का, हमारे यहाँ MDS टेक्नोलॉजी का, पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न एयर डिफेंस, ठीक है। इसकी खास बात ये होती है कि ये जो है लगभग अगर जो मिसाइल होगी अगर 50 से 80 किलोमीटर के ऊंचाई पर हो, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो तो ये वहाँ पर काम करेगा, यानी वहाँ पर दुश्मन की मिसाइल को इतने एल्टीट्यूड पर नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ऊंचाई पर क्या करेगा, नष्ट करेगा, पर नष्ट करेगा। और इसमें दो तरीके की मिसाइल यूज़ होंगी, पृथ्वी वन और पृथ्वी टू। तो इसमें दो तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल यूज़ होंगी, इंटरसेप्टर मिसाइल दो तरीके की यूज़ की जाएंगी, पृथ्वी वन और पृथ्वी टू। ये कितनी ऊंचाई पर काम करेगा, अगर मिसाइल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसे हवा में जाकर, मतलब दुश्मन की मिसाइल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो इसे हवा में नष्ट करने की ताकत किसमें है, पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न एयर डिफेंस में है, ठीक है। लेकिन मज़ा तो तब है ना कि जब मिसाइल जो है दुश्मन की मिसाइल बहुत कम एल्टीट्यूड पर उड़ान भरे, ठीक है, बहुत कम, तब आपके पास रिएक्शन टाइम कम मिलेगा, आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, समझ में आ रही बात ना। तो हमने अगर मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भर रही है, ठीक है, कम ऊंचाई पर उसे हवा में नष्ट करना है तो इसके लिए आपको एडवांस होना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए हमने बनाया है AAD, यानी एडवांस एयर डिफेंस, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस, या इसे ही नाम दिया गया है अश्विन एयर डिफेंस, अश्विन एयर डिफेंस। तो एडवांस एयर डिफेंस या अश्विन एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है। ये काम करती है 15 से 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, ठीक है, यानी 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर कोई दुश्मन की मिसाइल है तो तब इसको नष्ट करने का काम कौन करेगा, एडवांस एयर डिफेंस या अश्विन एयर डिफेंस। और इसमें जो इंटरसेप्टर, IM का मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल जो यूज़ की जाएगी उसका क्या नाम होगा, अश्विन, ठीक है, अश्विन। तो ये दो तरीके का मिसाइल, डबल लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने बनाया है, एक का नाम क्या है PAD और एक का नाम है AAD। PAD जो है जिसमें पृथ्वी मिसाइल्स यूज होंगी और ये कितनी ऊंचाई पर नष्ट करेगा, लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर दुश्मन की मिसाइल रही तब नष्ट करेगा, और AAD 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करेगा, ठीक है। और ऐसी मिसाइल को हम लोग क्या, ऐसी में कौन सी इंटरसेप्टर मिसाइल यूज करेंगे, अश्विन, क्या नाम होगा, अश्विन। और ऐसे मिसाइल सिस्टम को बोलेंगे अश्विन एयर डिफेंस या एडवांस एयर डिफेंस। बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है। तो दो तरीके का ये सिस्टम हमारे यहाँ वेल डेवलप हो चुका है। पहली सीरीज में हम इसको दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को सुरक्षित करेंगे, फिर जब ये सुरक्षित हो जाएंगे इस पर काम शुरू किया जा चुका है, और इसके बाद जब ये सुरक्षित हो जाएंगे फिर इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जो भी और भी अच्छे सिटीज़ हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं उनको हम लोग इससे प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अभी पहले प्लान में किसका है, दिल्ली और मुंबई का, ठीक है। सर नहीं कर सकता है क्योंकि जो ट्रैक नहीं कर पाएगा ना, जब हवा में, अवाकस की बात यह है कि अवाकस हवा में उड़ते हुए कहीं तक भी जा सकता है और कहीं से भी वो 400 किलोमीटर की रेंज में चीज़ों को पकड़ सकता है। मान लीजिए बॉर्डर के एरिया में है तो बॉर्डर के एरिया तक भी जा सकता है, वो रडार ऑन, और LRTR रडार का क्या है, फिक्स है, तो बहुत दूरी की मिसाइल को 1500 से ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना, तो उसमें मुश्किल आएगी उसको। जो है
उसमें तुम्हारे लोगों का दिमाग नहीं खर्च होता, क्या नहीं है और क्यों ये नहीं हो सकता। अकेले सर हवा में उड़ते हुए हम जहाज से नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है, कूद ना जाए हम, मिसाइल को ही पकड़ लाए। इसमें इतना दिमाग लगा देते हो कि पूछो मत। सारे साइंटिस्ट बेवकूफ हैं, दो दो रडार यूज कर रहे हैं। से हम लोगों ने देखा कि दुश्मन के मिसाइल को LRTR रडार से ट्रैक कर अवाकस और LRTR से ट्रैक करके उसे इंटरसेप्टर मिसाइल से नष्ट करेंगे। कौन सी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं? पृथ्वी और अश्विन। पृथ्वी एयर डिफेंस में कौन सी यूज की जाएंगी? पृथ्वी मिसाइल्स यूज की जाएंगी। और अश्विन एयर डिफेंस में, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस में कौन सी यूज की जाएंगी? अश्विन मिसाइल। बिल्कुल बात क्लियर हो गई, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बात पीछे तक क्लियर, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग 50 से 80 किलोमीटर पर तक की ऊंचाई पर अगर मार कर गिराने की क्षमता रखते हैं तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? पैड, ठीक है। और अगर 15 से 30 किलोमीटर पर यूज़ करेंगे एड, ठीक है। तो ये दो तरीके का डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसका जो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, इसका जो मतलब इसको जहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है, 2017 में इसके लिए ज़मीन दे दी गई और इसको मैंने बताया कि प्राइमरी मुंबई और दिल्ली को इससे सुरक्षित किया जाएगा, इस डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित किया जाएगा। तो उसके लिए हमने कुछ जगह निर्धारित की है, जिसमें एक अलवर में जगह है, खोआ नाम की जगह है अलवर में, वहाँ पर हमने इसको, कुछ पता है नहीं अलवर वाले भाई साहब? नहीं पता है, वहीं अलवर में रहते हो तुम्हें पता नहीं है खोआ जगह है कि नहीं है? KHOA खोआ, पहली बार सुना है क्या? आप बात कर रहे हो, और कोई है अलवर का? ठीक है, तो अलवर में एक जगह है, वहां पर इसको इसके डिप्लॉयमेंट के लिए जगह दी गई है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि इसका जो ये तैनाती इसकी होगी, इसकी तैनाती खोआ, KHOA खोआ, अलवर जनपद में, राजस्थान में, खोआ अलवर जनपद राजस्थान में, और रूपनगर पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, रूपनगर पाली डिस्ट्रिक्ट पाली PALI पाली, रूपनगर पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, ठीक है, पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला राजस्थान में इसको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। और ये प्राइमरी फेज में, पहले फेज में, पहले चरण में किन दो शहरों को सुरक्षित करेगी? दिल्ली और मुंबई, ठीक है, दिल्ली और मुंबई को सुरक्षित करेगी। क्या तुम इतना खुश हो रहे हो? कह रहे हम तो सुरक्षित हैं, दिल्ली में रहते हैं। कहाँ बिलोंग करते हो तुम? वाराणसी के हो, तो वाराणसी में जब, जिस दिन वाराणसी जाओगे उसी दिन बम गिरेगा यहाँ, ठीक है, वाराणसी वाले नहीं बच पाएंगे, और अब तो वाराणसी सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। हैं, क्या है? अच्छी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हवा से कहाँ सिक्योरिटी कर लेंगे? क्यों चांस नहीं है? क्यों, वहां पे हवा में मोदी जी ने वो लगवा दिया है क्या? हवा से कोई चांस नहीं है कि मोदी जी खुद ही खड़े रहते हैं वहां पर? हैं, नहीं, मोदी जी का वो है, योगी जो सेकेंडरी है, मोदी जी वहां के सांसद हैं। ऐसा ऐसा एंशियंट, ऐसा पुराना और ऐसा
पुराना शहर है बनारस, कि आज भी हजारों साल पहले वाली गलियां वहां मौजूद हैं। मतलब अगर आपको अंदर भेज दिया जाए तो आप निकल नहीं सकते, उसी में खो जाएंगे, उसी में जीवन व्यतीत कर देंगे, उसी उन्हीं गलियों में। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, अब तो सुधार थोड़ा बहुत हो गया। अब तो उसके किनारे, गंगा के किनारे उन्होंने घाट उट बना दिए, ठीक है। जितने पुराने मंदिर उंदिर थे सब तोड़ताड़ दिए उन्होंने, मंदिर मस्जिद जो भी रास्ते आए सब तोड़ दिया। और बाद में क्या कहते हैं, शिवलिंग, खूब सारे शिवलिंग मिले, फिर उसके बाद उसको मुसलमानों के घर के सामने रख दिया, कहेंगे इन्होंने ही तोड़ा है। वहाँ बवाल हो गया था इसके लिए, बड़े ज़बरदस्त तरीके। और तोड़ा किसने था? यहाँ के जो बनाने वाले, ये जो लोक निर्माण विभाग वाले होते हैं, उन्होंने तोड़ दिया मंदिर। और रात ही रात वो लोग तोड़ते थे, रात ही रात तोड़ते थे, और रात रात तोड़ तोड़ के, और उनको जाके कुछ बदमाश लोगों ने उनको क्या कहते हैं, कुछ मुस्लिम, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो गंगा के किनारे साथ ही रहते हैं, मतलब उन जगहों पर। तो होता क्या है कि वहीं पर जाके रख दिया, पता लगा दूसरे दिन बवाल हो गया कि कहाँ से तोड़ा, कौन तोड़ा, किसी का दिमाग ही नहीं गया कि योगी जी करवा रहे हैं ये सब काम, ठीक है। इसी तरीके से इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ क्या कि जब ये हो रहा था, कुंभ होने वाला था, तो पता लगा कि सुबह सुबह लोग मंदिर में, मतलब रात में पुजारी जी मंदिर में अपना सब सामान उमान रख के, हाथ पैर सब शीश नवा के गए मस्जिद में। रात में मज़ारें थी, तो मज़ारों में लोगों ने चादर उधर चढ़ा उढ़ा के बढ़िया ताला उला करके गए, आराम से रात में सोए कि सुबह 4 बजे फिर आके घंटा बचाएंगे, 4 बजे सुबह आके फिर चादर चढ़ाएंगे। और जब सुबह आते थे ढूंढ रहे होते थे कहाँ गया। यहीं पर तो था, यहीं तो रात में था, समझ नहीं आया कहाँ गया। मतलब बिलीव करो, मैं उसे पर्सनल उस चीज़ का मतलब वो हूँ, मतलब प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मैं रात में क्लास लिया, और रात में जाते वक्त जो है वो रास्ते में कुछ जो मंदिर और मस्जिद और टाइप के जगह चीज़ें दिखी मुझे, और रात में, और सुबह जब मैं आ रहा हूँ तो रास्ते में होता ये था कि थोड़ा सा ऐसे मैं मतलब ऐसे अपनी गाड़ी से ऐसे देखते हुए जा रहा था, तो पता लगा मैंने कि यार रास्ते में तो यहाँ पे एक वो मंदिर, एक वहाँ पे मज़ार थी और एक मंदिर था, दोनों मतलब वो बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब एक बहुत बड़ा प्रतीक था। जहाँ पर अगर तुम लोग इलाहाबाद गए होगे तो ट्रैफिक चौराहा है, उसी ट्रैफिक चौराहे पर वो था, ठीक है। मंदिर, ये इधर मज़ार थी और इधर मंदिर था, दोनों एक दूसरे की दीवारें एक दूसरे से मिली हुई थी, और जब उनके यहाँ चादर चढ़ती थी तो उनके यहाँ भी घंटे बजते थे, उनके यहाँ घंटे बजते थे चादर, मतलब दोनों बहुत ज़बरदस्त था। तो वो अक्सर मैं बड़ा उसको मतलब अच्छा समझता था क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें थी। तो मैं उधर से गुजर रहा था, तो रात में उधर से गुजर तो था, और सुबह सुबह 8:30 की मेरी क्लास थी, मैं उधर से गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब आए आके गुजर गया, तो मुझे समझ ही नहीं आई कहाँ क्या हुआ। और बाकायदा आप बिलीव करिए कि उसको उखाड़ कर और वहाँ पर बराबर करके वहाँ पर रात ही रात वो रोड बनाकर और उस पर जो है रेलिंग लगवा दी गई थी। तो 3 दिन तक बिलीव करिए, 3 दिन तक मैं ढूंढता रहा कहाँ गया। फिर मैंने अपने ड्राइवर से पूछ ही लिया, मैं शर्मिंदगी में नहीं पूछ रहा था, कहेंगे बड़ा हुआ। तो मैंने ड्राइवर, मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ ऐसा एक मंदिर और मस्जिद दोनों हुआ करता था, कहाँ गया? तो कहेंगे सब गया। योगी जी उठा ले गए उसको। तो मतलब आप समझ लीजिए बड़ा इन लोगों ने वहाँ पे बड़ा, लेकिन ये है कि ये सब चीज़ें करवा कर, तो इसलिए देखिए एक चीज़ इससे क्या सीख मिलती है, सीख कुछ मिली कि नहीं मिली इस बात से? सिर्फ मज़ा ले लिया कि तुम लोगों ने सीख मिली कि जो लोग शासन करते हैं ना, जो लोग सत्ता में होते हैं ना, उनके लिए धर्म और मजहब, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होता, ठीक है, वो आपकी काट रहे हैं, सुन लो, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, वो तुम्हारी काट रहे हैं और तुम अपनी कटवा रहे हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या सीख मिली, समझे इसे, इसका मतलब उनके लिए वो कोई मैटर नहीं करता। जिस वक्त उनके पास मौका आएगा वो मंदिर भी उखाड़ देंगे, मस्जिद भी उखाड़ देंगे, ठीक है, उनके लिए सब मैटर, उनके लिए सबसे बड़ा क्या होती है, सत्ता और पैसा, उससे बड़ी चीज़ उनके लिए कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं। अगर इतना ही थे तो मतलब
वो सारी चीज़ें, अगर इतना ही मन, भाई इतने बड़े भक्त हमारे योगी जी हैं, ठीक है, तो योगी जी को, योगी जी के पीछे तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, जान दे देंगे, मोदी जी के पीछे जान दे देंगे, या ऐसे ही जो भी मुस्लिम नेता हों उनके पीछे लोग जान दे देंगे। लेकिन एग्जैक्टली आप ज़रा देखिए कि अगर इतने ही होते तो मंदिर तो बड़ी पूजनीय जगह है, उस स्थल को, उसी मंदिर के लिए तो कितने खून खराबे हो गए, ठीक है, कितने लोगों की जाने चली गई, भाई ऐसे मंदिर तो वो भी तो मंदिर, मंदिर तो वो भी भगवान वास करते थे, तो उसे नहीं उखाड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, रात ही रात समाप्त कर दिया, ठीक है। और किसकी डायरेक्शन से हुआ भाई, सरकार की ना, और सरकार किसकी है, चाहे स्टेट में देख लो चाहे सेंटर में देख लो, तो बात समझो, इस चीज़ के पीछे बड़ा राज है। जो बात है कि एक्चुअली मंदिर मस्जिद पर जो हम तुम लड़ रहे हैं ना, असल में ये कहीं कोई मैटर सत्ताधीशों को नहीं करता, हम लोगों को बर्बाद करने का ये तरीका है, ठीक है। इसलिए बड़ी समझदारी से कोई भी चुनाव किया करो, किसी भी चीज़ में जब डिसीजन लिया करो ना, किसी इन जो सत्ताधीश लोग बैठे हुए हैं इनके चक्कर में अपने रिलेशन खराब मत करो। और हमने किया है, किया है कि नहीं किया है, इन्हीं लोगों के चक्कर में हमने अपने भाई जैसे दोस्त को, क्योंकि वो दूसरे मजहब को मानता था या दूसरी सोच का था, उसको दुश्मन बना लिया, ठीक है, उससे बात नहीं करते हैं, ठीक है, उससे दुश्मनी निकालते हैं, ठीक है, फेसबुक पर उसे माँ बहन की गालियाँ देते हैं, जबकि उसकी माँ ने तुम्हें भी रोटियाँ खिलाई हैं, ठीक है, उसकी बहन भी तुम्हारे जैसी, तुम्हारी बहन जैसी ही है, लेकिन उसको हम माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं फेसबुक पर, दे नहीं रहे होते हैं, ये परंपरा नहीं चली हुई है। तो असल में किसके लिए दे रहे हो, उन सत्ताधारियों के लिए दे रहे हो, और सत्ता वालों को के लिए मंदिर मस्जिद या तुम मैटर नहीं करते, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कोई भी हो, और अगर तुम सोच रहे हो कि कोई भी गवर्नमेंट तुम्हारे लिए सोच रही है, तो याद रख लेना तुम इस धरती पर मौजूद सबसे बेवकूफ़ लोगों में से एक हो, ये बात समझ लेना, ठीक है। सब अपना सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% नेता ऐसे ही हैं, लेकिन 100 में से 80 से 90% ऐसे ही हैं, जो 10-20% हैं उनकी सुनी नहीं जाती, वो हर पार्टी में है, हर जगह है, उनकी सुनी नहीं जाती, ना उनको सत्ता पे बैठाया जाता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट समझ। और आज मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो 10 साल बाद समझ में आएगी, तुम अभी नशे में रहो, सस्ते वाले नशे में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही मैं पूरा का पूरा, और ऐसे बड़े बड़े मस्जिद, बड़ी बड़ी मंदिर, ठीक है, इलाहाबाद में बिल्कुल वो कर दिए, करना भी चाहिए, कोई मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके नाम से हमारा खून बहाते हो उससे मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम लोगों में दुश्मनी तुमने क्रिएट करवा दी है उससे मुझे प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात, आप करो, ठीक है, विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये मत सोचूं कि मैं उसके खिलाफ हूं कि मंदिर मस्जिद आपने हटा देना, ना मैंने क्या, लेकिन उसके नाम पर तुमने लोगों का खून बहाया उसके खिलाफ, ठीक है, और वहीं पर जहां पर तुम्हें अपने फायदे की चीज़ें दिखी या किसी और चीज़ में डेवलपमेंट की चीज़ दिखी तुमने उसे हटा दिया, तब वहां पर तुम्हें मंदिर मस्जिद नहीं दिखा। बड़े बड़े पुराने मंदिर थे एंशियंट ज़माने के बनारस में, इनको पता होगा, उसके सुंदरीकरण के नाम से गिराए गए कि नहीं गिराए गए, अभी काम चल रहा है और लगातार काम चल रहा है, सुबह रात में पुजारी बेचारे वो अपना दूध उध चढ़ा के जाते हैं, सुबह ना दूध का पता ना शिवलिंग का पता, ठीक है, तो बड़ी वजह करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन उसके नाम पे दुश्मनी हमें नहीं क्रिएट करनी चाहिए, और कम से कम हम लोगों को समझदार बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये डिफेंस सिस्टम समझ में आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास गर्व, हाँ कौन सा नहीं, पैड जो है 50-80 रेंज है, तो 50-80 पे ही मारेगा ना सर, उसको ऐसे ही ट्रैक करके और ऐसे ही नष्ट करने के लिए बनाया गया, उसके लिए हम लोग 15-30 वाले के लिए क्या बनाया है हमने, एड, अगर ऐसा ना होता तो उसी से काम चला रहे होते, क्या शौक क्या था हमें, हाँ अश्विन वाला का क्या शौक था, कुछ टेक्निकल समस्याएं होंगी ना जिसकी वजह से वो सिर्फ उतनी ही रेंज के या उतने ही एल्टीट्यूड की चीज़ों को नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिस्टम है, दुनिया में कुछ ही कंट्री हैं जिनके पास ये सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, भारत है, इज़राइल है, ठीक है, साथ ही साथ इसी तरीके से US है, रशिया है,
कुछ हद तक चाइना भी, तो ऐसे ही कंट्रीज हम लोग ऐसे कंट्रीज में हैं, मतलब आप इस बात का गर्व कर सकते हैं। गर्व करने वाली बात ये है भारत के लिए कि भारत के पास ऐसे सिस्टम अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को भारत पर गर्व करना है तो भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर गर्व कीजिए, भारत की जो चीज़ें हैं इन सब पर गर्व कीजिए जो कि वाकई में है। ठीक है, हम लोगों के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर गर्व आप कर सकते हैं, जिसमें से आपके पास, आप दुनिया के उन कंट्रीज़ में हैं जिनके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, तो PADAD बिल्कुल 100% पीछे तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो सिस्टम, दूसरी जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। हेडिंग डाल लीजिए, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल, अब क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो क्रूज मिसाइल के बारे में आप जान लें, क्रूज मिसाइल में यहाँ पर टिप पर ये क्या है, वॉरहेड है, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये इसका कंट्रोल सिस्टम होता है। और इस ये जो कंट्रोल होती है वो किससे होती है, मैंने आपको बताया था GPS, ये कैसी होती है, GPS गाइडेड, GPS से ही कनेक्ट होकर उड़ान भरती है। ठीक है, इसके विंग स्पैन होते हैं, विंग स्पैन, ठीक है, यानी कि ऐसे इसके जैसे हवाई जहाज होता है ना, उसके छोटे से इसके विंग्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें सॉलिड फ्यूल भी भरा होता है, इनिशियल स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज होता है और फिर इसके बाद लास्ट स्टेज में इसमें क्या यूज होता है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन इसके अंदर यूज किया जाएगा, क्रायोजेनिक फ्यूल यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इसमें यूज की जाएगी। ठीक है, क्रायोजेनिक और इंजन इसमें यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस जो मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, इसका फिक्स कोई पाथवे नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और चीज़ें जान लें कि ये GPS गाइडेड होती है, तो समझ में आ गया, कोई नो फिक्स पाथवे, नो फिक्स पाथवे, कोई फिक्स रास्ता इसका नहीं होता। जैसे उसमें पैराबोलिक पाथवे थी ना, परवलयाकार, ऐसे उड़ती थी और ऐसे जाकर गिरकर नष्ट करती थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए रास्ते में पहाड़ हैं ये, ठीक है, ये टारगेट है, इस पर इसको मारना है, ठीक है, ये समुद्र है, तो यहाँ से जब ये उड़ान भरेगी, ये मिसाइल जब उड़ान भरेगी तो पहले ये यहाँ से बूस्ट होगी, बहुत तेज़ी की स्पीड से ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद ये नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी और पृथ्वी की सतह के बहुत करीब से उड़ान भरती है। वो 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये जो है वो सिर्फ पृथ्वी से 400 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच में ही उड़ान भरती है, यानी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब से उड़ान भरती है, फिर नीचे आ जाएगी। और जैसे एक अनमैंड एयर व्हीकल यानी मानव रहित विमान होता है ना, उसी मानव रहित विमान की तरह से ये अपना रास्ता खोजते हुए GPS की मदद से टारगेट तक पहुंचती है। तो मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई, फिर उसके बाद रास्ते में पहाड़ आ गया तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे हो जाएगी। मतलब ये हमेशा डिस्टेंस जो है, एल्टीट्यूड जो है, वो 400 मीटर से 4 किलोमीटर बनाए रखेगी और फिर ऐसे पहुंचते हुए ये जाकर क्या कर देगी, इसको
डिस्ट्रॉय कर देगी, इसको हवा में नष्ट कर देगी। तो कोई फिक्स पाथवे नहीं है। उसका क्या था, उसका क्या था, ऐसे मूव करते हुए ऐसे गिरता था। इसमें क्या, ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर आराम से घूमते घामते आराम से एक जहाज की तरह से गई, और जहाज की तरह जाकर वहां से, जैसे एक जहाज जो है एक बिल्डिंग से टकरा कर खत्म कर देता है, उसी तरीके से जाकर यह टारगेट पर टकरा कर उसको खत्म कर देगी, या अपने अंदर से वॉरहेड निकाल कर अलग अलग जगहों पर गिराते हुए आगे बढ़ जाएगी और फिर टारगेट को नष्ट करने का काम करेगी। समझे, समझ में आ रही? वहां कहां देख रहे हो, कहां डूबे हुए हो तुम? क्यों, तुम्हें से पूछ रहा हूं, मुझे थोड़ी ना देख रहे हो, इधर देख रहे हो, क्या है यहां पर है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं जब क्लास में रहूं और क्लास में पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मुझे देखो। समझ में आ रही बात? डूबो मत कहीं पर, तुम पता नहीं नारंगी कलर में क्या डूब गए, भगवा कलर में डूबो, लेकिन क्लास के बाद। क्या मैं समझा रहा हूं पीछे तक, पीछे तक क्या समझा रहा हूं कि ये, इसका कोई फिक्स पाथवे नहीं होता, कोई फिक्स रास्ता नहीं होता। पहले ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, जहाज की तरह उड़ते हुए रास्ते को जीपीएस गाइडेड होते हुए ये जाएगी, टारगेट को मारकर खत्म कर देगी। ठीक है, तो इसकी जो एल्टीट्यूड जो गेन करती है, यानी ऊंचाई जो गेन करती है, वो कितना होता है, 400 मीटर से, लगभग 400 मीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई गेन करती है, जीपीएस से गाइडेड होती है। वॉरहेड ये कैसा ले जा सकती है, सारे, ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी ले जा सकती है, और कन्वेंशनल यानी जो पारंपरिक है, ठीक है, पारंपरिक, पारंपरिक और साथ ही साथ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि आपके, समझ रहे हो ना, ठीक है, एटॉमिक है, न्यूक्लियर, क्या कहते हैं, हाँ, ये सारी, ये ठीक है, ये सारी चीजें। चौथी चीज क्या है इसकी, कि ये जो होता है ये सतह से, यानी कि आपके जमीन से, इसे लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवा से यानी कि हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है, और इसे वाटर से यानी पानी के जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है, और अंडर वाटर यानी कि सबमरीन यानी पनडुब्बियों से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इसके, इसकी स्पेसिफिकेशन होती है क्रूज मिसाइल। अच्छा, बहुत लंबी दूरी नहीं ये तय करती हैं, ठीक है, ये इनकी जो रेंज होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट रेंज, बहुत छोटी दूरी रेंज करते हैं। तो शॉर्ट रेंज होती है, हाई स्पीड होती है, तो क्या होगा, अपने टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं, और जब टारगेट तक अपनी बहुत जल्दी पहुंचती हैं तो फाइनली क्या हो जाता है कि आपके रिएक्शन टाइम नहीं मिल पाता। इसी वजह से क्रूज मिसाइल से बचना, यानी जैसे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल में दूसरी अपनी मिसाइल भेजकर उसे हवा में नष्ट कर रहे थे, ये काम यहां पर जल्दी आसान नहीं होता, क्योंकि आपके पास रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया का समय कम होता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज होती है और बहुत हाई स्पीड होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो शॉर्ट रेंज होती है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 1200 से ज्यादा नहीं होती है।